दोस्तों इस चैनल में अगर आप लोगों ने अभी तक घंटी नहीं बजाई है तो चुपचाप जाके पहले घंटी बजा के आइए, उसके बाद हम बताएंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। बैक और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी बनना चाहते हैं डेली व्लॉगर यूट्यूब पे तो क्या करना चाहिए और कंटेंट कैसे बनाना चाहिए। टेंशन की बात नहीं है कि अगर आप कंफ्यूज है कि हमारा कंटेंट क्या होगा, वो इस वीडियो में आपको दिखेगा। इस वीडियो में छोटी 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 ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अपने व्लॉग को लंबा कैसे करना है, क्योंकि जितना लंबा व्लॉग उतने ज्यादा ऐड और उतने ज्यादा डॉलर्स। तो चलिए देखते हैं डेली व्लॉगिंग कैसे करते हैं मेरे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। अभी बज रहा है शाम के 4, तो मैं सोचा कुछ ठंडा बना के पी लूँ अपने लिए। तो देखिए मैं आज आपको ठंडा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसमें तो आपको चाहिए एक ग्लास, एक चम्मच आइस क्यूब, ठंडा पानी और कोई सा भी सिरप। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको जितना मीठा पीना है उतना डालना है आपको ऐसे, ठीक है? ज्यादा मीठा नहीं पीते तो कम डाला है। अब आपको क्या करना है, चम्मच इसमें डाल देना है इस तरह से, और ये जो आपकी आइस क्यूब्स है ना ये आप बाद में डाल देंगे, पहले पानी से इसको घोल लेंगे डाल देंगे। अब इसको इस पर घोल लेंगे, ये देखिए घुल रहा है, देख रहे हैं आपको, अच्छे से घोलना है आपको, बहुत अच्छे से घोलना है, ठीक है? अब ये पूरा घुल गया है, एक बार हम ऐसे करके देख लेंगे, ऐसे करके देख लेंगे पूरा घुल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी आइस क्यूब्स इस तरह से, आपको जितना ठंडा पीना है उतनी आइस क्यूब डाल सकते हैं। आप देख रहे हो मुझे पसीना आ रहा है तो मैं 4 आइस क्यूब डाल लूँ, पूरी 4। तो बाकी आइस क्यूब नहीं निकल रही है, फिर भी हम उसको निकालेंगे। और ये देखिए इस तरह से निकाल दिया, देखिए हमारा ठंडा सर्व सर्व शरबत कितना बढ़िया वाला तैयार हो गया। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। यम्मी गाइस, यम्मी, आप लोग जरूर ट्राई करिए। ये है मालास का रेड शरबत और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने अपने आप से खरीदा है। इतना काम करने के बाद ठंडा मिल जाए पीने को कितना अच्छा लगता है आप लोगों को पता है? आजकल बारिश आ रही है और लोग कहते थे कि ये तो महल जैसा घर है इसका, अभी ना मुझे अपना घर हवेली से कम नहीं लगता, हवेली हो गया ये जब से झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है। आओ कभी हवेली में आओगे शरबत पिलाएंगे।
हाय गाइस, शाम के बज रहे 6, तो मैंने सोचा आप लोग से कुछ बात ही कर लूं। तो मैं कल देख रही थी, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि वो जो है वो उन्होंने तो मेरे को ऐसा बोल दिया, उन्होंने मेरे को ये बोला। अब ये बोलने का तो मुझे मतलब नहीं समझ में आया, फिर तभी मैं वो सब देख ही रही थी कि दूसरे सब्सक्राइबर ने बोला कि वो जो है दूसरी वाली वो उन्होंने मुझे ये बोला। अब ये दूसरा वाला ये भी मुझे समझ में नहीं आया यार गाइस, मुझे तो समझ में नहीं आता लोग कैसे एक दूसरे का नाम लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं यूट्यूब के ऊपर। ऐसा नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत मेहनत से ही आप आगे जाएंगे। ऐसे किसी का नाम लेके आगे बढ़ना गलत बात है, गलत बात है। और मुझे मुझे किसी ने बोला कि मैं क्लिक बेट टाइटल लगाती हूँ, अभी हद है। आपको लगा आज तक कि मैंने क्लिक बेट टाइटल लगाया? बट मुझे लगता है कि मुझे लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ इसका भी, ये जो मेरा वीडियो आप लोग का जाएगा, ये वीडियो मेरा कल जाएगा, तो ये वीडियो में मैं सोच रही हूँ मैं क्लिक बेट टाइटल डाल दूँ। क्योंकि देखो उन्होंने वैसा बोला, वो तो बहुत ही, वो तो सबके बारे में ही ऐसा बोलती है, सबके बारे में, कुछ पता नहीं रहेगा लेकिन सबके बारे में ऐसा बोलेगी। और वो जो है वो दूसरी एक यूट्यूबर है, आपको पता है वो वहां की है, वो रो रही थी, कह रही थी तुम कितनी खराब हो, तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। मैं सच बता रही हूँ, मेरी आंखों में से भी आंसू आ गए। मैं कल रात भर सोई नहीं हूँ, मैं रात भर रोई हूँ, सुबह में सोई हूँ लेट, इसलिए आज मेरा काम भी लेट हो गया गाइस। यही जो बात मैं आपसे कर रही हूँ, ये रोज मैं बैठ के 2 बजे शूट करती हूँ, लेकिन आज मुझे 6 बज गए, क्योंकि उनका वीडियो देख के मैं रात भर रोई और मैं नहीं सोई, तो मेरा आज सारा काम लेट हो गया। तो मैं यही कहूंगी, किसी का नाम लेकर के कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए, और अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ऊपर वाला है, भगवान है, वो आपको देख रहा है। और आप लोग अगर व्रत करते हैं तो भी आपको ऐसा सब कुछ करना नहीं चाहिए, ये गलत बात होती है। मैं बहुत रोई, मेरी तबीयत भी खराब हुई रात में, मुझे लूज मोशन हो गए थे, तो इसलिए मैं नहीं सो पाई। मैं आप लोग मेरे अपने हो ना, तो मैं छुपा नहीं सकती ना, सब शेयर करती हूँ आप लोग से, इसलिए मैंने बता दिया कि देखिए मेरे लूज मोशन हो गए थे, सब कुछ लेट हो गया। तो चलिए आज के लिए तो अभी तक मुझे यही बात करनी थी, थोड़ी सी और बात है, मैं थोड़ा काम कर लूँ, चाय वाय बना के पी लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? मतलब ये जो यूजर है ना, नाम बदल बदल के आ रहे हैं, मैं एक आईडी ब्लॉक करती हूँ ये दूसरी से आ जाते हैं, दूसरी ब्लॉक करती हूँ तीसरी से आ जाते हैं। इन्होंने करीब 7 महीने से मुझे तंग करके रखा, और मुझे पता है ये कौन है, मुझे पता है ये कौन है। मैं आपको बताती हूँ ना कि इन्होंने क्या लिखा है, रुकिए रुकिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इन्होंने लिखा है कि अपनी शक्ल देखी है, तो मैं रोज ही देखती हूँ शीशे में, आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो कि मैं किसकी शक्ल देखती हूँ शीशे में। यार अपनी शक्ल देखी है, एकदम डोरेमोन जैसी है, मुझे डोरेमोन पसंद है, लेकिन आप लोग ये, इन्होंने 7 महीने से मुझे डोरेमोन बोल बोल के इतना दुखी कर दिया है। मेरा फेवरेट था डोरेमोन, अब मैं डोरेमोन नहीं देखती, मैं अब डोरेमोन नहीं देखती, मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। अब देखिए ये दूसरा कमेंट है, ये इन्हीं का कमेंट है, मैं ऊपर लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो इन्होंने मुझे बोला है कि डोरेमोन तो ब्लू कलर का है, कि तुमने ब्लैक कपड़े क्यों पहने, अब बताइए। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं जाके सिर्फ ब्लू कलर के कपड़े लेकर आऊंगी, बिकॉज मुझे डोरेमोन बोला है तो मुझे डोरेमोन तो लगना ही पड़ेगा। और ये बोलते हैं कि क्या तुम्हारे घर में भी सब लोग डोरेमोन लगते हैं, तो भैया आप मुझे बताइए कि आपके घर में सब लोग क्या मिक्की माउस लगते हैं? और गाइज ये वाला कमेंट तो बहुत ही अपसेटिंग है, बहुत ही अपसेटिंग है। इन्होंने इतनी गालियां दे दी हैं, इतना गंदा कमेंट है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ गाइज, मैं बोल नहीं सकती हूँ। मैं यहाँ पे फोटो लगाऊंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब मैं सोच रही हूँ, मैं इतना ज्यादा अपसेट हो चुकी हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं यूट्यूब छोड़ के चली जाऊँ, और ये मेरा लास्ट ब्लॉग होगा गाइज। मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ, मेरे को ब्लॉगिंग करते हैं मन में नहीं करता। इन्होंने मुझे 8 महीने से तंग करके रखा, 8 महीने से ये मुझे गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। मैं गाइस अब ये शायद मेरा आज लास्ट ब्लॉग है,
इसके बाद मेरे कोई व्लॉग नहीं आएंगे। मुझे बहुत मेंटल टॉर्चर करके रखा है, मैं परेशान हूँ। बाय। आज के बारे में लाल।